तो हेलो, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो के अंदर। आज हमारे साथ है मंजीत भाई और आज हम खेलने वाले हैं मंजीत वर्सेस AK 1v1 चैलेंज। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी इस चैलेंज की, कोई बंदा यहाँ पे जीतेगा वो दूसरे बंदे को डेयर देगा एंड इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है। सो टाउन हॉल 10 के 1v1 चैलेंज खेलने वाले हैं। रूल काफी सिंपल है एंड जो जीतेगा वो डेयर देने वाला है। भाई साहब, चैलेंज से ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को डेयर लग रहा है। सो लेट्स बिगिन द क्लैश एंड देखते हैं यार कौन चैलेंज जीत पाता है। ना, समझ गया ना मैं कितना खुश है, क्यों खुश है। हाँ सो यूट्यूब पे आने के बाद हर छोटे क्रिएटर का एक सपना होता है कि यार वो किसी बड़े यूट्यूबर या फिर ऐसे यूट्यूबर के साथ गेम खेल पाए कि उनके हम बहुत बड़े फैन हैं। मंजीत भाई की वीडियो मैं रोज़ देखता हूँ एंड मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सो फाइनली आज वो हमारे साथ खेलने जा रहे हैं 1v1 चैलेंज। हेलो मंजीत भाई एंड वेलकम टू द चैनल यार। तो हेलो, कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया होगा। सो गाइज, आज हम लोग हैं AK भाई के चैनल के ऊपर एंड आज हम लोग FC खेलने वाले हैं, फ्रेंडली चैलेंजेस खेलने वाले हैं टाउन हॉल 10 से। तो भैया मुझे तो नहीं पता इस बैटल को कौन जीतने वाला है, इन चैलेंजेस को कौन जीतने वाला है, लेकिन जो भी बंदा यहाँ पे जीतेगा वो दूसरे बंदे को डेयर देगा एंड इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखना वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और हाँ गाइस, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो यार AK भाई के चैनल को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, जैसे कि मंजीत भाई ने बोला यार जल्दी सब्सक्राइब करो, वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स एंड लाइक भी कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया तो। सो हियर वी आर एंड चैलेंज स्टार्ट करते हैं मंजीत वर्सेस AK। भाई साहब जैसे कि आपको पता है यार टाउन हॉल 10 दिल में बसा है लेकिन मंजीत भाई बहुत स्ट्रॉन्ग अटैकर है। सो लेट सी क्या कर पाते हैं आज के चैलेंज में। एंड बेसिकली जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि यार मैं पहले अटैक करूंगा मंजीत भाई पे एंड मंजीत भाई को टारगेट देंगे कि आपको कितने रन निकालने, मतलब बेसिकली आपको कितने परसेंट अटैक करना है या फिर। सो यहाँ पे मंजीत भाई अपने को चैलेंज थ्रो करने वाले थे एंड बेसिकली हमने स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की है हाइब्रिड स्ट्रैटेजी एंड हाइब्रिड स्ट्रैटेजी से हम इस बेस पे अटैक करने वाले। सो लेट्स सी यार क्या होता है। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा बेस दिख रहा है यार, मैंने ऐसे टाइप के बेस पे कभी अटैक नहीं करा है। जैसे कि हाइब्रिड स्ट्रैटेजी से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ लेकिन हाइब्रिड स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि लगभग किसी भी बेस पे हम हाइब्रिड स्ट्रैटेजी से 3-star अटैक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वीन से ऊपर वाला कंपार्टमेंट खाने का प्लान कर चुका हूँ। सो लेट्स सी हम क्या कर पाते, कितनी ज़्यादा वैल्यू निकाल पाते हैं। क्वीन के साथ जितनी ज़्यादा वैल्यू निकाले उतना ही ज़्यादा बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी। एंड जहाँ तक यहाँ पे हमारी वैल्यू की बात है तो क्वीन के लिए अगर अच्छी सी पाथिंग हम बना दें तो क्वीन कोर की तरफ मूव कर पाएंगे एंड हमें इन्फर्नो मिल पाएगा। सो हमने बेसिकली सभी हीलर्स वगैरह अच्छे से ड्रॉप कर दिए है, विजर्ड भी डाला है एंड यस। सो वॉल ब्रेकर डाल देते हैं यहाँ पे ताकि वॉल टूट जाए एंड ओ माय गॉड। सो चलो फिर से वॉल ब्रेकर डाल देते। ओ माय गॉड, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है, वहाँ पे वॉल ब्रेकर सक्सेसफुल नहीं रहे। सो क्वीन प्लीज अंदर से जाओ कुछ तो। सो चलो यार कोई बात नहीं, सो क्वीन यहाँ पे अगर अनसक्सेसफुल हुई तो क्या बात है, हमारे साथ बहुत, हमारे पास अभी बहुत सारी आर्मी है जिससे हम 3-star की तरफ टिल्ट कर सकते हैं अपने अटैक को अभी भी। सो मैंने थोड़ा सा चैलेंज जो प्लान था मेरा वो चेंज किया एंड नीचे से सीज बैरक छोड़ दिया ताकि टाउन हॉल श्योर हो जाए एंड मेरी नीचे से अच्छे से पाथिंग बन जाए, ऊपर से बार्बिटन किंग छोड़ दिया। लेकिन सबसे गंदी बात ये मेरे को लगी कि यार हीलर्स मेरी वहाँ पे चंगुल में आ चुकी है। सो मैं जल्दी से हाइब्रिड स्ट्रैटेजी स्टार्ट करके मल्टी इन्फर्नो को ग्रैब कर लेता हूँ ताकि और कोई दिक्कत ना हो। ना हो CC से यहाँ पे निकले भाई साहब बलून सभी के सभी, मेरे को एक भी स्प्लैश नहीं चाहिए। सो मेरे को दोनों फ्रिज पहले यहीं पे यूज़ कर देना पड़ेगा एंड बलून ने अगर गलती से भी एक भी स्प्लैश अगर मेरी हाइब्रिड पे दे दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ पे हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते एंड यस पॉइजन में आके सारे बलून मर गए हैं। सो जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एनिमी की क्वीन भले ही यहाँ पे अलाइव है, हॉग राइडर्स को मार रही है लेकिन दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे माइनर्स अभी अलाइव है जो कि क्वीन को जस्ट 1 सेकंड में लीड कर देंगे। जस्ट यस, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था यार, एनिमी की क्वीन यहाँ पे डाउन हो चुकी है, हमारी क्वीन विथ एबिलिटी यहाँ पे सर्वाइव्ड है। सो मे बी हम यहाँ पे 3-star की तरफ टिल्ट हो सकते हैं, क्या हम अभी भी 3-star ले सकते हैं? सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक मल्टी इन्फर्नो, एक बॉम्ब टावर, एक आर्चर टावर, 2 आर्चर टावर यहाँ पे अलाइव है। सो लेट्स सी यार क्या कर पाते हैं हम। अगर 3-star अटैक कर दिया तो मंजीत भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि हमारे पास अच्छा डिफेंसिव बेस नहीं है। सो हम अटैक पे ही ज़्यादा बिलीव कर लिए थे, सारी की सारी हीलर्स मर चुकी है एंड एबिलिटी यहाँ पे हमको पॉप कर देनी पड़ेगी। सो बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं कि यार जल्दी जल्दी हम 3-star अटैक कर पाए एंड यस। सो
ओह माय गॉड, अभी तो एक हार्ड लग रहा है। सो 96% अभी अटैक हुआ है, एक क्या हम और एक नहीं। सो चलो कोई बात नहीं, सो 96% तक हम पहुंच पाए हैं इस अटैक में। सो यार अगर क्वीन कोर की तरफ मूव कर देती तो यार ये और ज़्यादा मतलब 3-star अटैक की तरफ टिल्ट हो ही जाता ये अटैक। सो हियर वी गो। एंड एक मतलब ठीक ठाक अटैक के बाद हम मंजीत भाई को 97% का टारगेट देने वाले। एंड देखते हैं मंजीत भाई का रिएक्शन अब क्या रहेगा। सो मंजीत भाई के लिए 97% का टारगेट। आई नो यार मंजीत भाई 100% ही पे लेंगे मेरे बेस को, लेकिन मंजीत भाई देखते हैं अभी क्या परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पे टाउन हॉल 10 की अटैकिंग स्ट्रैटेजी भी मंजीत भाई की वैसे स्ट्रांग है, यहाँ पे रोने वाली रिएक्शन दे रहे हैं। सो लेट सी। एंड आते हैं मंजीत भाई को चैलेंज देने पे। सो बेस का अगर सिलेक्शन देखेंगे तो यार मेरे पास एक इन्फर्नो वाला बेस है, लेकिन वो तो ईजिली पेल देंगे मंजीत भाई। सो चलो इजी ही बेस दे देते हैं, एक ही तो बेस बचा है हमारे पास, और कौन सा बेस है। सो ये बेस मंजीत भाई के लिए हम थ्रो कर देते हैं। एंड लेट्स सी मंजीत भाई क्या कर पाते हैं इस बेस पे। एंड सीसी में तो यार ऑब्वियसली बॉलर ही है हमारे, क्योंकि अटैकिंग सीसी जो है वो मेरा वही आ गया उसमें। सो लेट्स सी यार मंजीत भाई क्या कर पाते। वैसे बहुत ज़्यादा ईजी बेस है, मेरे को पता है मंजीत भाई 3-star ही पे लेंगे इस बेस पे। लेट्स सी। एंड जो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट किया है यार क्वांट यार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्ट्रैटेजी है ये। इस स्ट्रैटेजी के साथ मैं पहले ही स्वैग पहले जा चुका हूँ। एंड लेट्स सी, मेरे को डर लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं मंजीत भाई भी स्वैग के साथ ना पेलते, क्योंकि मंजीत भाई बहुत स्ट्रांग अटैकर है। इससे पहले मैंने इनको टाउन हॉल 10 से एक लीग में खेलते हुए देखा था। तो ये अटैक कर रहे क्वाड पे का हॉग राइडर स्ट्रैटेजी के साथ। भाई साहब ये लिटरली बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को 2 sections में करना होता है। सो अगर आपका पहला सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहता है तो आपको हॉगराइडर्स के साथ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। सो लेट्स सी यार मंजीत भाई क्या करते हैं। सो इन्होंने प्यारे तरीके से 2 pekas डाले, जिससे अच्छा फनेल सेट हुआ। एक पेका भले ही बाहर चला गया, लेकिन अभी भी 3 pekas उनके साथ कोर में मूव कर रहे हैं। एंड जो वॉल ब्रेकर है यार वो तो बहुत प्यारी पाथिंग बना रहा है। एंड क्वीन भी उसका साथ दे रही है। सो अगर माई गॉड सीसी भी यहाँ पे ल्यूर हो चुका है, इनमें मतलब हमारी क्वीन जो है वो भी यहाँ पे मंजीत भाई डाउन कर चुके हैं। सो अभी भी यार 3 pekas एक्चुअली अभी भी लाइव है। बारबिन किंग की एबिलिटी अभी इनके पास है, एक ही पॉइजन स्पेल अभी इन्होंने यूज़ किया है। सो जो दूसरा पॉइजन स्पेल आएगा वो अगर हॉग राइडर्स के पीछे स्केलेटन ट्रैप्स अगर पड़ जाते हैं तो वो वहाँ पे यूज़ होगा। इन्होंने हॉग राइडर्स भी डाल दिए एंड बहुत ही ज़्यादा वैल्यू इन्होंने पहले ही डाउन कर दिया। आई थिंक यार नहीं यार मतलब दैट्स ऑल। सो लेट्स सी यार अभी भी हमारे पास एक मल्टी इन्फर्नो जो है वो स्टिल अलाइव है, हालांकि इनके पास अभी भी क्वीन की एबिलिटी पड़ी है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, अभी भी 2 heal spell यहाँ पे बचे हैं, कहीं स्वैग ना मार दे बेइज्जती हो जाएगी। कोई बात नहीं। सो लेट्स सी यार अपने ही भाई है मंजीत भाई। सो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक ऊपर वाला बचा हुआ कंपार्टमेंट भी यहाँ पे क्वीन डाउन कर ली है, लेकिन इनकी क्वीन यहाँ पे डाउन हो चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड हमारा बारबेरियन के हॉग राइडर्स के पीछे पड़ा है, जो कि हॉग राइडर्स को मारने के लिए लगा है, लेकिन एक हिल स्पेल जो बचा था वो यहाँ पे डाला। सारे के सारे हॉग राइडर्स बारबिन किंग की जान लेने के लिए वहाँ पे आ गए। एंड बारबिन किंग यहाँ पे हमारा डाउन हो गया। स्केलेटन ट्रैप्स गलती से हमने एयर पे सेट करके रखे थे, जो कि हॉग राइडर्स के पीछे पड़ ही नहीं पाए। एंड हिल स्पेल जो है वो मतलब इनका अच्छा प्लान यार जो सेट एग्जीक्यूट हो गया। सो इन्होंने एक मस्त यहाँ पे अभी टारगेट इनका कंप्लीट हो चुका है 99% पे। एंड और कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं हमसे। सो यार यहाँ पे मंजीत भाई ये चैलेंज को जीतते हुए एंड हम इस चैलेंज को अनफॉर्चुनेटली हारते हुए। हालांकि मैंने 97% का टारगेट दिया था, इनके पास 97 मतलब लगभग 3-star करने के अलावा और कोई चांस नहीं था, लेकिन इन्होंने मस्त एक 3-star अटैक फेल के भाई साहब दिल्ली जीत लिया ये बोल रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हमारी भाई है तो जीते हैं तो क्या ही यार, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि अभी हमको डेयर करना पड़ेगा। सो लेट्स सी मंजीत भाई अपने को क्या डेयर देते हैं। आई प्रो मेरे को पता था यार मंजीत भाई पहले के मेरे को, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा था, मेरे को 3-star ही पहलना था। सो अगर ड्रॉ हो जाता तो दिक्कत की बात ही नहीं थी। सो लेट्स सी इनको पूछते हैं कि यार डेयर क्या करना पड़ेगा हमको। मेरे से एक गलती हो गई थी एंड मेरे को वो गलती मे भी यहाँ पे भुगतनी पड़ सकती है। मैंने एक बहुत गंदा सा डेयर सोच के रखा था एंड मैंने इनके साथ डिस्कस कर लिया था, कहीं यही डेयर अगर दे देंगे मंजीत भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ऐसे काम करना पड़ेगा जो अपने कभी सोचा भी नहीं है। एंड उस चीज़ से अपने को घिन आती है। सो लेट्स सी यार क्या होता है एंड मंजीत भाई अपने को क्या डेयर दे पाते हैं। हालांकि जो डेयर देंगे वो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा, लेकिन
वासु इसे बोलते हैं यार कि खुद की बनाई हुई दलदल में खुद फंस जाना। सो यार ये गलती से मैंने डेयर डिस्कस कर लिया था इनके साथ कि जो हारेगा उससे हम टिकटॉक पे आने के लिए बोलेंगे, लेकिन यार मुद्रा तो यार इम्पॉसिबल है, इस जन्म ये तो ना हो पाएगा। लेकिन जहाँ पे जिस तरीके से बात है क्लैश ऑफ क्लैंस की, तो हम क्लैश ऑफ क्लैंस में एवरीवेयर स्प्रेड करना चाहते हैं जिससे कि क्लैश ऑफ क्लैंस का जो है ट्रेंड आगे बढ़े। एंड वैसे अगर टिकटॉक देखेंगे तो टिकटॉक पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना पड़ता है, लेकिन डेयर यहाँ पे है कि यार मुद्रा करो। तो मुद्रे के जहाँ तक बात रही, सो एवरीबॉडी इट्स योर बॉय एके। नहीं नहीं भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मेरे पर्सनल बायो डेटा में मेरे को और कोई चीज़ चेंज नहीं करवानी है। सो रही बात टिकटॉक की, तो हम टिकटॉक अकाउंट बना लिया है एंड वहाँ पे हम अपना क्लैश ऑफ क्लैंस का ही कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स एंड जो कंटेंट है वो डालेंगे, क्लैश ऑफ क्लैंस का कंटेंट डालेंगे। रीजन क्या है, आशीष चंचलानी भाई ने बोला था कि अगर हम यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस की छोटी छोटी क्लिप भी अगर उठा के टिकटॉक पे डालना स्टार्ट कर दिया तो तुम लोगों का, तो गाइस क्यों नहीं, आशीष भाई ने आइडिया दे दिया इतना अच्छा एंड हमारी क्लैश ऑफ क्लैंस की जो कम्युनिटी है वो हम लोग यहाँ से स्प्रेड कर पाएंगे। सो ये बात है एंड रही बात मुझे की, तो भाई साहब ये मेरा प्यारा सा छोटा सा भैंसा यार चैलेंज हार गया, मुद्रा सिखा दे यार, रबड़ी खिलाऊंगा, मुद्रा सिखा दे। मोती लगता है एक पागल हो गया, हट जा भाई तू, नहीं तेरे से नहीं होगा यार मोती, यार भाई चैलेंज हार गया, थोड़ा सा मुद्रा सिखा दे। हाँ सो हमने टिकटॉक अकाउंट बना लिया है, मुद्रा जरूर नहीं करेंगे, क्लैश एवरीवेयर क्लैश फॉर एवर, सो वहाँ भी क्लैश ही फॉर स्प्रेड करेंगे एंड हम कुछ ट्राई करते हैं। सो लेट्स गो एंड गाइस ये वीडियो यार यहीं पे ख़त्म करते हैं, सैड एंड ऑफ दिस वीडियो। गेम अच्छा था, हमने चैलेंजेस अच्छे खेले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बेवफा क्वीन ने यहीं पे यहाँ पे भी हमें धोखा दे दिया। सो यार बस यही वीडियो हम ख़त्म करते हैं एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल।